हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज रवि सुमित और आज मैं आपको लेके आया हूँ ओरिजिनल आइसक्रीम को टेस्ट करवाने। ओरिजिनल यस, फ्रोजन डेजर्ट नहीं खिलाऊंगा, प्योर आइसक्रीम खिलाऊंगा। सो आज मैं आपको लेके आया हूँ खत्री जी कुल्फी रोल एंड आइसक्रीम की शॉप पे, जहाँ पे आपको 22 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम एंड 9 फ्लेवर्स ऑफ कुल्फी रोल देखने को मिलेंगे। अब कुल्फी रोल क्यों, इस सवाल का जवाब जान के लेते हैं इसकी ओनर सुमित खत्री जी से। तो सर मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि कुल्फी रोल बनाने के पीछे की स्टोरी क्या है। लाइक सब लोग आइसक्रीम और ये बेचते हैं, आपने कुल्फी रोल बेचे, ये क्या यूनिकनेस है? सुमित जी सबसे पहले आपका स्वागत है खत्री जी कुल्फी रोल्स के शॉप पे। तो ये हमारा आइडिया हमको लॉकडाउन में आया था थोड़ा, कि कुल्फी रोल्स जैसे लोग खाते हैं, जैसे लोग मिठाई खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, मिठाई में सब रेंज आ गई। हमने सोचा क्यों ना कुल्फी रोल्स में इतना सब रेंज लेके आओ कि लोग पसंद करें। तो उसमें हम काजू कतली लेके आए, जो काजू कतली का हमारा बेस बनता है उसको हम कुल्फी के टेक्सचर के साथ मिक्स करते हैं, वो उसमें काजू कतली कुल्फी रोल्स बन जाते हैं। उसके बाद हमारा अंजीर है, अंजीर का भाई बेस हम रेडी करते हैं। जैसे आप अंजीर का मिठाई खाया रहेगा, उसी को हम पहले प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास महाराज लोग आते हैं, वो बेस रेडी करते हैं। फिर हमारा जो दूध रहता है उसमें प्योर बफेलो मिल्क रहता है, खोआ रहता है, उसका जो थिकनेस आता है दूध का, उसके बाद हम मशीन टर्नर होता है उसमें डालते हैं और प्रॉपर अंजीर डालते हैं, तो मिक्सिंग होगा। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कैसे बनता है सब कुछ। तो एक अंजीर रोल हो गया, शाही टुकड़ा, शाही टुकड़ा इज़ वेरी यूनिक। शाही टुकड़ा लोग शाही टुकड़ा खाते हैं, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था हम शाही टुकड़ा कुल्फी रोल्स भी खाएंगे। तो शाही टुकड़ा है, उसमें कुल्फी रोल्स रहता है, उसका एक अलग टेस्ट है। उसके अलावा हमारे पास डेट्स है, खजूर होता है, हम खजूर अलमंड है उसमें साथ सिनेमन्स ऐड करते हैं, तो एक अलग यूनिकनेस बनता है हमारे फ्लेवर्स के साथ। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में आया कि चलो, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड आइसक्रीम लाइन का था, हम लोग को इन एंड आउट दोनों पता था, तो यही पूरा कोशिश है हमारा, वही सब किया है। मतलब आपने सारी मिठाइयों का कुल्फी में लेके आए, कुल्फी रोल्स में मिठाई भी खाओ और कुल्फी भी खाओ। करेक्ट। आपकी मोस्ट फेवरेट डिश कौन सी आपको चाहो? मेरे हिसाब से मेरी जो बेस्ट है, मेरे को जो पसंद है वो है पीना कोलाडा। okay. इसमें टेंडर कोकोनट आता है और साथ में पाइनएप्पल का कॉम्बिनेशन है, पाइनएप्पल रोस्ट होता है और टेंडर कोकोनट का क्रीमीनेस आता है, तो दोनों कॉम्बिनेशन जो है पाइनएप्पल और टेंडर कोकोनट का बहुत बढ़िया आता है। सुनने में टेस्टी लग रहा है वो। करेक्ट। और हमारा मोस्ट सेलिंग है पान। okay. हमारा पान बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया दिखता है। दिन में 100 से 200 स्कूप हम पान के बेचते हैं। पान मतलब आप खाएंगे तो आपको खुद पता पड़ेगा कि पान लोगों को फेवरेट क्यों है। ये तो बिल्कुल टेस्टी करेंगे, आ जाओ। यस yes. चलो अभी हम देखते हैं पान टेस्ट करके कैसा लगा। awesome. एक्चुअल पान का फ्लेवर है ये, तो मस्त बनता है, टेस्ट करना जरूरी है इसको। कौन सा फ्लेवर है ये? कोकोनट। ओके, अब कोकोनट ट्राई करेंगे। नारियल का जो स्वाद होता है ना, अच्छा मिल रहा है। अभी मैं खा रहा हूँ चॉकलेट, अब इसको टेस्ट करते हैं ये कैसा है, आप देखते हैं। एक ये भी एकदम बेस्ट है, प्योर गुड़ का। मेरे हाथ में आ गया है मेरा फेवरेट कुल्फी रोल, जिसके लिए यहाँ पे मैं आया हूँ। चलो इसको खा के देखते हैं, बाद में बात करेंगे। ये हमारा अभी फर्स्ट आउटलेट है जो हम लेके आए हैं। इसके पीछे की कहानी ये है कि बाजार में जो घी आता था, फिर घी महंगा हो गया, लोगों ने डालडा खाना चालू कर दिया। yes. तो सेम आइसक्रीम में हो गया, आइसक्रीम में बफेलो मिल्क कॉस्टली हो गया, रॉ मटेरियल महंगे हो गए, तो लोगों ने फ्रोजन डेजर्ट लाना चालू कर दिया, जिसमें एक मिल्क पाउडर रहता है और पानी रहता है। yes. तो उसको बोलते हैं फ्रोजन डेजर्ट, ठीक है। बट हम क्या कोशिश करते हैं कि पुराना टेस्ट, जो क्रीमीनेस है वो दिया जाए, इसीलिए हम आज भी प्रॉपर बफेलो मिल्क यूज़ करते हैं। उसमें बफेलो मिल्क में फैट परसेंटेज ज़्यादा लाने के लिए हम उसमें बटर ऐड करते हैं, ताकि वो फैट परसेंटेज कम से कम 9 से 10 फैट परसेंटेज आए, तभी वो आइसक्रीम में क्रीमीनेस आएगा। तो जर्नी हमारी ये थी कि हम पुराने बैकग्राउंड से हैं, हमारा आइसक्रीम का ही बिजनेस है, जो कि बड़े बड़े होटल्स में सप्लाई करते हैं हम लोग। आज भी हमारा होटल सप्लाई का काम है, बट हमने सोचा कि क्यों ना ये एक आउटलेट चालू किया जाए, जिसमें स्पेशल लोगों को वो क्वालिटी मिले, जो लोग
पसंद करते हैं। यार रेट्स भी काफी अफोर्डेबल है, पीपल केम हियर, ओनली 10 लोग आते हैं, उनका एक बिल बनता है 500-550, वो बहुत खुश होते हैं। मतलब आप सबको ओरिजिनल आइसक्रीम क्या होती है उसका टेस्ट करवाना चाहते हो अपने आउटलेट के पर। यस, टेस्टी कुल्फी रोल खाने और ढेर सारी आइसक्रीम टेस्ट करने के बाद फाइनली मुझे देखने को मिली आइसक्रीम बनाने की प्रोसेस जो सुमित जी ने मुझे दिखाई, और इसी के साथ आज का दिन खत्म हुआ। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए इंडिया शोर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइज दिस इज सुमित साइनिंग आउट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू इंडिया शोर।